हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया, बोले चंद्रताल से रेस्क्यू कठिन, कसौल से 2000 टूरिस्टर निकाले, स्थिति अंडर कंट्रोल। मनाली में बाढ़ ने बरपाया कहर, बह गए घर वाहन, 3 दिन बाद सामने आई तबाही की तस्वीरें। किन्नौर में फंसे 18 ट्रैकरों सहित 46 लोगों को जिला प्रशासन ने सुरक्षित निकाला। हिमाचल में 14 से फिर एक्टिव होगा मॉनसून, 1299 सड़कें बंद, 1800 रूटों पर बस सेवा ठप। हिमाचल की सबसे युवा जिला परिषद अध्यक्ष की 2.5 साल के भीतर गई कुर्सी, अविश्वास प्रस्ताव पारित। नोगली में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हाईवे से सतलुज नदी में गिरी कार, 2 महिलाओं सहित 4 लोग लापता। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल सरकार आज भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हेलीकॉप्टर से लाहौल स्पीति के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने पहुंचे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि चंद्रताल से लोगों को रेस्क्यू करना थोड़ा मुश्किल है, अन्य क्षेत्रों में स्थिति अब नियंत्रण में है। सीएम ने कहा कि चंद्रताल में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने मंत्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस संजय अवस्थी को भेजा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में तो वक्त लगेगा, लेकिन बिजली, पानी और सड़कें अब बहाल होने लगी हैं। मनाली से चंडीगढ़ हाईवे को भी छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है, इससे लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। मनाली में बुधवार को इंटरनेट सेवाएं बहाल होने के बाद 3 दिन पहले बाढ़ से हुई तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। 3 दिन पहले बारिश से व्यास नदी में आई बाढ़ से मनाली में भारी तबाही हुई है। उफनती व्यास में भवन वाहन तिनके की तरह बह गए। इस तबाही के वीडियो तस्वीरें अब वायरल हो रहे हैं। कई जगह सड़क का नामो निशान मिट गया। बाहंग में उफनती व्यास में कैफे बह गया। वहीं आलू ग्राउंड में ग्रीन टेक्स बैरियर व मिडिल स्कूल का भवन नदी में बह गया। मौसम खुलने के बाद जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है, लेकिन दुश्वारियां और बढ़ने लगी हैं। बाढ़ के बाद मनाली में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के लिए हाहाकार मच गया है। किन्नौर जिला प्रशासन ने भावा वैली के कारा क्षेत्र में फंसे 18 ट्रैकरों सहित 46 लोगों को सुरक्षित बचाया है। उपायुक्त किन्नौर तोरुल रवेश ने बुधवार को बताया कि जिला किन्नौर के भावा वैली के कारा क्षेत्र में लगभग 28 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस, एनडीआरएफ, आईटीबीपी व होमगार्ड के बचाव दलों को मौके पर भेजा गया। कारा में 28 लोग मवेशियों सहित फंसे हुए थे, इनमें से 8 व्यक्ति ज्यूरी प्रजनन केंद्र, 4 कक्षस्थल फार्मा, 3 नाथपाद निवासी और 10 भावाघाटी के निवासी हैं। सभी को सुरक्षित मुलिंग गांव पहुंचाया गया है। 3 व्यक्ति कारा में मवेशियों की देखरेख के लिए रुके हैं, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में मानसून के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से खूब तबाही हुई है, यानी डबल इंजन की बारिश ने पहाड़ों पर सब तहस नहस किया है। 3 दिन में ही 27 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में इससे 1299 सड़कें, 4000 से ज़्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर और 700 से ज़्यादा पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। करीब 4000 करोड़ की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हो गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे के दौरान ज़्यादातर नदी नालों में जलस्तर कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई से मॉनसून फिर एक्टिव होगा और 15 से 17 जुलाई तक ज्यादातर क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के आसार बन रहे हैं। हिमाचल की सबसे युवा जिला परिषद अध्यक्ष मुस्कान की 2.5 साल के भीतर ही कुर्सी चली गई है। जिला परिषद बिलासपुर अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 14 में से 11 सदस्यों ने वोट दिया, जबकि अध्यक्ष सहित 3 अनुपस्थित रहे। डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब 17 जुलाई को सुबह 10:30 बजे नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होगा।
बता दें बीजेपी समर्थित मुस्कान ने कुर्सी बचाने के लिए इस्तीफे का दांव खेला था, लेकिन कामयाब नहीं हुई। शिमला जिले में रामपुर के समीप नोगली में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए नेशनल हाईवे 5 पर अनियंत्रित होकर एक कार सतलुज नदी में जा गिरी। कार में सवार चार लोग नदी में लापता बताए जा रहे हैं। मंगलवार शाम करीब 4 बजे भूस्खलन के चलते हाईवे का करीब 30 मीटर हिस्सा धंस गया था। इसके बाद रात करीब 10 बजे दत्तनगर से रामपुर की ओर जा रही कार हाईवे में धसी हुई जगह पर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। हादसे के समय कार में मेहर सिंह पुत्र ईश्वरदास, शीतल पत्नी मेहर सिंह, राजीव पुत्र लायकराम, सुंदला देवी पत्नी लायकराम सवार थे। सभी लापता बताए जा रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।